মনে রয়ে হবে ঠিক আছে সকালে যে পাঠ পড়াটা হয়ে সেটা অ্যাকচুয়ালি মনে রয়ে যায় ঠিক আছে ওকে জিবি ওকে ओके मेन ग्रुप रूट कथा कही थी ठीक अच्छे जोटा कि तुम पूर्व स्लाइडर थी कि फाइबरस रूट टेप रूट ठीक अच्छे तो ये रूट कथा कही थी तो ये जिनस ऑलरेडी टेप रूट फाइबरस रूट प्रॉप रूट एडवांटेजेस रूट जोटा कि मेन ग्रुप रीजन में देखा जाता रूट रो बहुत सारा फायदा था एक्चुअली कही पतर कि गंडीर काम रूट द्वारा हो पड़ता ओके चल मेन ग्रुप प्रोफाइल इन इंडिया भारत में कौ कौ जगह एक्चुअली मेन ग्रुप देखा मेन ग्रुप कौन मेन ग्रुप जो आम कहीपर एस्चुरी आउ डेल्टा रीजन में जो विभिन्न प्रकार सामुद्रिक गछ अच्छा अल्प अल्प पानी रे, जो सामुद्रिक गछ अच्छा सल्टी व्वाटर कि सालाइन व्वाटर से बढ़ी पारे ठीक अच्छे तो सहीटा कहा मेन ग्रुप प्रोफाइल इन इंडिया भारत में कौ कौ जगह से जिन देखा जेहतु भारत गोटे आम कहीपर तीन पाखर तटीय क्षेत्र लगी कि कोस्टाल एरिया तो अफकोर्स ये जिनस भारत में बहुत इंपोर्टेंट एटलिस्ट ओडिशा भी इंपोर्टेंट अच्छे कारण ओडिशा भी गोटे एक्चुअली तटीय स्टेट कहींपर इन इंडिया मोस्ट ऑफ द मैंग्रोव्स फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल रीजन मुझे अलरेडी कही थी ईस्टर्न कोस्टल जेहतु आमको अधिक मात्रा कौन मिलू एस्चुरी और डेल्टा मिलू तो से एक्चुअली कौन एस्चुरी डेल्टा मिलू एक्चुअली एटी एक्चुअली अधिका बाट रही जाचुअली जो ईस्ट कि ईस्टर्न घाट जो पहाड़ अच्छी तो से पहाड़ पर बहुत सारा जगह मिल जाऊँच नदी की आराम से प्यार से बही 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 जाकि एक्चुअली समुद्र में पड़ी फर एक्जाम्पल आम कहीपर ब्राह्मणी बैतरणी महानदी ऋषिकल्या ये सब जिन कौटी ना कौटी जगह मिल जाऊँगी तो से समुद्र पड़िया पूर्व प्लेन तैयारी करुच्छे ठीक अच्छे भितरकनिका भाया होगा तो ये सब जगह तैयारी कर इन इंडिया मोस्ट ऑफ द मैंग्रोव्स फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल रीजन सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया इन द वर्ल्ड क्वेश्चन पकई जा तो लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया वर्ल्ड रे कौटा सुंदरबन डेल्टा बट सुंदरबन कथा यदि कहना भारत कम अच्छी एक्चुअली बांग्लादेश भी सुंदरबन डेल्टा अच्छी बांग्लादेश अधिका अच्छी भारत लगभग 30% पाखापाखि 70-80% पाखापाखि कौटी तुम ना बांग्लादेश अच्छी ठीक अच्छे हैविंग द स्पेसीज लाइक कौ कौ स्पेसीज एक्चुअली जो मैंग्रोव बढ़ुंट गच्छ कौन कौन अच्छा ना हेरिटेरिया फेम्स राइजोफोरा स्पेसीज देन ब्रोजेरिया स्पेसीज सेरिपस यूनो डिसीड्रा देन सोनेटरा स्पेसीज देन आभिसेनिया स्पेसीज ये स्पेसीज सब कौटी ना कौटी देखा तुम कौटी ना जो मैंग्रोव रीजन कथा कहुचे ओके मैंग्रोव इन द भितरकनिका अल्सो सेकेंड लार्जेस्ट इन द एशियन सब कंटिनेंट जो भितरकनिका कथा कहुची ये एशिया रे सेकेंड लार्जेस्ट कथा कहुची ठीक अच्छे वेरी लेस नंबर मैंग्रोव फाउंड इन द वेस्टर्न घाट पार्ट एक्सेप्ट कच्छ एंड गुजरात कच्छ इन गुजरात गुजरात जो गल्फ अफ कच्छ कथा कहुची तो से रीजन को छाड़े बाकी किसी पार्ट्रे आम कहींपर बहुत कम एमाउंट एक्चुअली कौन देखा ना मैंग्रोव रीजन देखा लेस इन द गोवा महाराष्ट्र एंड कर्णाटक दिज आर अल्सो वेस्टर्न कोस्टाल पार्ट कथा कहुची पश्चिम भारत पश्चिम कथा कह पूर्व क्षेत्र में एक्चुअली अधिका अच्छी अल्सो लेस इन द केरला कथा कहुची सम फाउंड इन द आंडामान एंड निकोबार आइलैंड ये जो मैंग्रोव प्रोफाइल तो बहुत सारा एक्चुअली किसी देखा कौटी ना आंडामान और निकोबार आइलैंड रे ठीक अच्छे नॉट लक्षद्वीप है ओके रोल्स ऑफ मैंग्रोव्स मैंग्रोव रे कारण कौन जमी आम देखी थे वेटलैंड होगा लेक होगा तो एमाने को एक्चुअली कंजर्व करने बहुत सारा इनिशिएटिव भारत सरकार किंवा विश्व अलग अलग संगठन नौ एक्जाक्टली मैंग्रोव भी तारी भाया किसी कनसेप्ट आसचुअली कंजर्व करने बहुत सारा इनिशिएटिव उठा जाऊँच ड्यू टू प्रॉप रूट्स एंड नेमाटोफोर्स नेमाटोफोर मैंने आम कह रूट गुटा जो ऊपरक उठिकी रोचरक उठिक रोच जहाँफल कि तार रेस्पिरेसन कम होगा कि सल्ट सिक्रेटिंग ग्लांड होगा तो ये सब पतर द्वारा चेर द्वारा अधिका प्रकार हो जाए तो सीटा गोटे पूरा बेनिफिट बट रूट गुड़ा कौन नेमाटोफोर मैंने कौन जाली 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 भाया होकर रही थो तो जाली जाली है मैंने तो जो विभिन्न प्रकार सेडिमेंटेशन आसीबो सही जगह रे फिल्टर हो बाहर को जीव या फिर समुद्र रु किसी आसीबो से फिल्टर हो ऊपर को आसीबो से गोटे फिल्टर रो काम करू जेमिति वेटलैंड कथा सुनिथिलो ये एक्जेक्टली से भला कथा कहउछु इट एनहांस द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट तो सेडिमेंट डिपोजिट केनता रूट एक्चुअली जाली जाली भलिया हिची
सो द स्टेबिलाइज द सीसुर एंड ब्रिडिंग ग्राउंड फर द फिशेस तेणु आम कही पारा सीसुर को स्टेबिलाइज करुच्ची तमाने कूल को स्टेबिलाइज करुच्ची प्लस जेहेतु जो चेरगुड़ा तो है जाली जाली भाया ता भितर आसिक माछ रही अंडा देकी कि पिला देकी सब कम करा बढ़े बाहर को पलि कोस्टल लो लैंड विल बी द सेफ फॉर द लोअर फ्लड्स बड़ कथा कह जो समय बेले बेले फ्लड आसे बात्या आसे ना बन्या आसे से बन्या टाइम जो लोअर रीजन में जो मैंने रही पाख पा मड़ी आसे जदि ये मैनग्रोव रीजन रहा तो अफकोर्स ये पाटा एक्चुअली से अब्जर्व हो अधिका बाट आसपार ना तेणु बात्या ना कौन बन्या हम ना बन्या बात्या भितर डिफरेन्स अच्छी है साइक्लोन को कहे कौन बात्या साइक्लोन कहुच्छे बन्या कौन कहुच्छे फ्लड बन्या मैंने केवल पा मड़ी जा कथ कह ठीक अच्छे साइक्लोन में कौन लो प्रेसर हम पढ़े जोटा कि कौटी ना आम क्लाइमेटोलोजी प्रिभेन्ट कोस्टाल सएल इरोजन सएल इरोजन बचाऊे प्रिभेन्ट कोस्टाल लैंड फ्रम द सुनामी हरिकेन एंड द फ्लड्स ये सब बड़ बड़ जो कथ कह समुद्र भितर है आर्थक्वेक वगैरह हो तार पा एक्चुअली माड़ी आसूँ विभिन्न प्रकार यूट्यूब भिड देखी जापान में सुनामी कथ कह इंडोनेशिया मलेशिया रे सुनामी कथ कह जदि ये मैनग्रोव थी तो कौटी ना कौटी किसी मात्रा सुनामी को ये कंजर्व करें कि सेफ करपर नाचुराल रिसाइक्लिंग अफ द न्यूट्रिएंट या मैंने कौन ना एक्चुअली जो विभिन्न प्रकार न्यूट्रिशन अच्छी नाइट्रोजन होगा फसफरस होगा पटास होगा तो ये जिनस को ये नाचुराल रिसाइकल करमी रिसाइकल कर फर एग्जांपल समुद्र पखापाखी अंचल ये गच है गच्छ है मैंने कौन है पतर फतर है से पतरटा बुढ़ा है झड़ला तो से पतर जो पड़ा तौक तले बैक्टीरिया भाइरस न्यूट्रिशन ये जो आम फंजी फंजी अच्छा से पतर को खाई 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 पतर गुंड करदे तम से पतर जो अर्गानिक मैटर था से अर्गानिक मैटर पुणी मटीर मिसईदे से मटी पुणी उर्वर होगा पुणी एमती गच उठला पुणी एमती कथ चलला तेणु से कथा कहुच्छे यहाँ नाचुराल रिसाइकल अफ द न्यूट्रिशन कारण गचपतर रोचे जेहतु अर्गानिक मैटर रोचे तो एक्चुअली मिक्स कराने कराला मटिक फर्टाइल करुच दैट इज द रिजन फर द रिसाइक्लिंग अफ द न्यूट्रिएंट ओके सेफ एनवायरनमेंट फर द फिश ब्रीडिंग बस माछ मानों पर जबरदस्त जगह बनीगला कारण खुंगुर भाया होती आराम से गले अंडा पिला दे पुणी आसे रियरिंग अफ द सेवेराल फिशेस तो बहुत सारा माछ को एक्चुअली चाषवास भी कराए धरा जाए से जगह बहुत प्रकार जिनस ठीक अच्छे तो दिस इज द रूल अफ द मैनग्रोव्स ओके पढ़ दे जी इजी अच्छे डिफिकल्ट तो बिल्कुल ही नहीं चाह बिस्कुट खाइदि मो बिस्कुट खाई दूसरी सरोज डाला सिंह कहला जी काली सारे ठंडा पाग दे निद हो गला सुगली का उठी पड़ी आज उठ थे बोधे बिस्कुट एक्चुअली लिखी दबे बिस्कुट एक्चुअली छोट पिला बेस भल लगे है मो झी कह बापा बिस्कुट पूरा डबा धरिकी खाइबी मो इच्छा अनुसार मन भरला बंद बिस्कुट खाइबी ओके चलो गला डिपत कथा सेफ फ्रॉम द एडवर्स क्लाइमेट टू द कोस्ट विभिन्न प्रकार जो क्लाइमेटिक कंडीशन कथा कह जो बन्या बात्या तो कौटी ना कौटी ये कोस्टाल रीजन में गछपतर थे सेफ कर ठीक अच्छे सप्लाय फुड मेडिसिनाल प्लांट वुड एंड एडिबल प्लांट टू द लोकाल कथा विभिन्न प्रकार गच अच्छे लाइक द कोस्टाल एपल गोटे कहुच्छे कि मेनग्रोव एपल गोटे कहुच्छे तो से जिन खाती मनीष खाती तो आम एक्चुअली जानू गुड़ाए प्रकार खाद्य भितर अच्छी गच एमती अच्छी से गचर विभिन्न प्रकार फल कि मूल कि डाल यू जिन मिले जोटा कि मनीष भी किसी खाती लाइक द मेनग्रोव एपल कथ कहुचे
ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ମାଛ ହେଇଗଲା, ମାଛ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ସେଠି, ସେ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା। ଏଡିବୁଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଗଛକୁ ଖିଆଯାଏ, ତା'ମାନେ ଯେଉଁ ଗଛରେ ପାର୍ଟ ଫଳ ହେଇଗଲା, ମୂଳ ହେଇଗଲା, ଡାଳ ହେଇଗଲା, ଚେର ହେଇଗଲା, ତ ତାକୁ ଏଡିବୁଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁହାହେଉଛି। ସେଠି ମଣିଷ ବି ଖାଆନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ। ପ୍ଲସ୍ ଯେହେତୁ ଇଏ ସାଲାଇନ୍ ୱାଟର୍ରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ସାଲାଇନ୍ ୱାଟର୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛକୁ ନେଇକି ମେଡ଼ିସିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ତ ସେ କଥା ମିଳିଗଲା। ଓଡ଼ ତ କାଠ, କାଠ ମିଳିଲା, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ମଣିଷକୁ ମିଳୁଛି। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚୁନିଟି ଟୁ ଦ ଲୋକାଲ୍ ଫର୍ ଦ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼, ଇଏ ସବୁ ଭାଇ ସାହେବ କେମିତି, ଭାଇ ସାହେବ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ଯେଉଁ ମେନଗ୍ରୋଭ୍ ରିଜନ୍ ଥାଏ ନା, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍। ଲୋକ ବହୁତ ସାରା ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଭିତରକନିକା କଥା ଭାବିପାର, ସୁନ୍ଦରବନ କଥା ଭାବିପାର, କିମ୍ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗା କଥା, ପୁରୀ କଥା ଭାବିପାର, ତ ଏସବୁ ଯେମିତି ଜାଗା ଥାଏ ନା, ତ ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ହିସାବରେ ବହୁତ ସାରା ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଆସିବେ ମାନେ ସେଠି କ'ଣ ନା, ଟୁର୍ ଗାଇଡ଼୍ ଲୋକ ସେଠି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ, କିମ୍ବା ସେଠି ଖାଇବା ଦୋକାନୀ ହୋଟେଲ ବନିବ, ହସ୍ପିଟାଲିଟି ସର୍ଭିସ୍ ବଢ଼ିବ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଅଲଗା ଅଲଗା ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେଠି ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ, NGO ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏସ୍ଚୁରି କିମ୍ବା ମେନଗ୍ରୋଭ୍ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ସେଠି କିଛି କାମ ବାହାରିବ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ କିମ୍ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ରେଟ୍ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ମେନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ଦେ ଆର୍ ଦ ରିଷ୍ଟୋର୍ଡ ଦ କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଦ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପର୍ପୋଜ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ତ କଥା କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପର୍ପୋଜ୍ ପାଇଁ ଲୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକ ଚାଷବାସ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଫୋଏଲ ଜାଳେଣୀ କଥା, ଫୁଡର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, ମାଇନିଂ, ଅଏଲ୍ ସ୍ପିଲ୍, ଆକ୍ୱାକଲଚର ହେଲା, ତ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ଅଏଲ୍ ସ୍ପିଲ୍ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ କଥାମାନଙ୍କର କୁହାହେବ, ତ ଯେଉଁ ଜାହାଜର ତେଲ ଆସୁଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରୁ କ୍ରୁଡ଼୍ ଅଏଲ୍, ତ ଏଠି ରିଫାଇନିଂ ହେଉଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ରିଫାଇନେରୀରେ, ସେ ଯେଉଁ ଲୋଡ଼୍ ଅନଲୋଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତେଲ ଯଦି ଲିକ୍ ହେଲା, ସେ ତେଲ ଭାସି 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 ଜାଗାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା, ତ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଗଛପତ୍ର ମରିବ। ପ୍ଲସ୍ ମାଇନିଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖୋଳାଖୋଳି, ଅଏଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ, ବମ୍ବେ ହାଇ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଏଠି ରହିବ। ପ୍ଲସ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଳେଣୀ, ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ହର୍ବିସାଇଡ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଆକ୍ୱାକଲଚର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଣିରେ ଆମେ ଗଛ ଫଛ ଲଗେଇ କିମ୍ବା ମାଛ ଚାଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛୁ, ସେ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ହେଉଛି। ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁ ଆଫିଲିଏଣ୍ଟସ୍ କଥା କୁହାହେଉଛି, ତା'ର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଏରିଆ ଯାଇକି ପଡ଼ୁଛି, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମେନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଥ୍ରେଟ୍ ଅଛି, ଆକୁ ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କମିଟିଗେସନ୍ କରିବା ଦରକାର, କମ୍ କରିବା ଦରକାର। ତ ଏ କଥା ତୁମେ ଏସ୍ଚୁରିରେ ଲେଖିପାରିବ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଲେଖିପାରିବ, ପ୍ଲସ୍ ତୁମର ମେନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଲେଖିପାରିବ, ଡେଲ୍ଟାରେ ଲେଖିପାରିବ, ଲେକ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲେଖିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଗଲା ମାନେ, ସବୁ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତିକି ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ ସେ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। କୋରାଲ୍ ଲିଫ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକେଇଛି, ଲାଇକ୍ ଦ ଯେଉଁ ଜାଣିଥିଲି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଫ୍ କୋରାଲ୍ ହେଲା, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକେଇ ସାରିଛି କୋରାଲ୍ ଲିଫ୍, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ କୋରାଲ୍ ଲିଫ୍ ପକାଉଛି, ଇଏ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଇଏ ତୁମର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଇଏ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରେ ଅଛି, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ରେ ଅଛି, ଚାରିଟା ଯାକ ସବଜେକ୍ଟରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ପଢ଼ିକି ପାଠ ସେମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। କୋରାଲ୍ ଲିଫ୍ ଓକେ, କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ନା, କୋରାଲ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରକାର ଜୀବ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବାବୁ, ହେଲା, କନସେପ୍ଟ ପିଲାଙ୍କର ଏଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଟିକେ। କୋରାଲ୍ ହେଲା ଛୋଟ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜୀବ, ଯେମିତି କଇଁଛ ତୁମର କଚିମ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କଇଁଛ, ଟର୍ଟଲ, ସେ ଯେଉଁ ଟର୍ଟଲ ଯେମିତି ଦେଖାହୁଅନ୍ତି ନା, ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀ ଇଏ କୋରାଲ୍ ଯେଉଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ କୋରାଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଆଲ୍ଜି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ କୋରାଲ୍ ରିଫ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି କଲର୍ ବଢ଼ିଆ ସେ ତୁମେ ମାଲଦ୍ୱୀପରେ ଫଟୋ ଦେଖିଥିବ ହେଲା, କିମ୍ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେଉଁ ଗ୍ରେଟ୍ ବେରିୟର୍ ରିଫ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ତାର ଫଟୋ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ଦେଖିଥିବ, ରଙ୍ଗୀନ ପୁରା ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର, ଯେମିତିକି ଭଗବାନ ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, ତ ଏଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋରାଲ୍ ଗୁଡ଼ା, ସେ କୋରାଲ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାକୁ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଏମାନେ ଯେଉଁଠି ବଢ଼ିବେ ତା ମାନେ ସେଇଠି ଭାବିଦେବା ଦରକାର କି ଭାଇ ସାହେବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ନା ବହୁତ କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି, ତା'ମାନେ ସେଇଠି ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ କଥା କହିବା, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛପତ୍ର ଠିକ୍ଠାକ୍ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ କିମ୍ବା ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତ ଯେଉଁ କୋରାଲ୍ ରିଫ୍ ଯେଉଁଠି ବଢ଼େ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା କି ହଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ସେ ଏରିଆରେ ପାଣି ହେଇଗଲା, ବାକି ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେମିତି ସ୍ଥଳଭାଗରେ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆମାଜନ୍ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା କଙ୍ଗୋ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ବାକି ଜାଗାରେ ହେଇଗଲା ମାଲେସିଆ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ତ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ, ତ ସମୁଦ୍ରରେ କୋରାଲ୍ ରିଫ୍କୁ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ପକେଇ ସାରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା କୋରାଲ୍ ରିଫ୍ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ, କୋରାଲ୍ ଆର୍ ଦ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିଭିଙ୍ଗ୍ ଏନିମାଲ୍, ଲିଭିଙ୍ଗ୍ ଏନିମାଲ୍ ମାନେ ହାତୀ ଭଳିଆ ଦେଖାହେବାକୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲା, ତ ଲିଭିଙ୍ଗ୍ ଏନିମାଲ୍ ତା'ମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଏନିମାଲ୍ସ ନଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଁ ଓକେ। କୋରାଲ୍ ଆର୍ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ରିଲେସନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଜୁ ଜାନ୍ଥିଲିନ୍, ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଆଲ୍ଜି ହୁଇଚ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ଦ କୋରାଲ୍, ଭାଇ ସାହେବ ଏ ଜୁ ଜାନ୍ଥିଲିନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକେଇଥିଲା, କ'ଣ
ନା କୋରାଲ ଗୋଟେ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ରିଲେସନ୍, ସିମ୍ବାୟୋସିସ୍ ରିଲେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଦେବି ତୁମେ ମୋତେ କିଛି ଦେବ, ସେଇଟା ହେଲା ସିମ୍ବାୟୋସିସ୍, ତା'ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୁଇ ଜଣ କିଛି ଆମେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା, ସେଇ ରିଲେସନ୍ଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କୋରାଲ ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଣିଥିଲିନ୍ ଆଲଜି, ଆଲଜିଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଇଏ ଏନିମାଲ ଇଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ରହୁଛନ୍ତି, କାରଣ କ'ଣ ନା ଇଏ କିଛି ତା ପାଖରୁ ପାଉଛି ସିଏ କିଛି ଆ ପାଖରୁ ପାଉଛି, କ'ଣ ପାଉଛି ଦେଖିବା। ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ସି ଫ୍ଲୋର ଦ ଆଲଜି ଲାଇଫ୍ ୟୁ ନୋ ଅପ୍ ଅନ୍ ଦ କୋରାଲ କ୍ଲୋଜର୍ ଟୁ ଦ ଓସେନ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଆଲଜି ଗେଟ୍ ଆଡିକ୍ୟୁଏଟ୍ ଲାଇଟ୍। ବାବୁ ଦେଖ, ଆଲଜିର କାମ କ'ଣ, ତଳେ ରହିବା, ବଟମ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ ରହିବା, କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି କମ୍ ପାଣି ଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ତ ଦେଖା ହେଇଯିବ ଆମକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ତାକୁ ଦରକାର ଉପରୁ ଉପରକୁ ରହିଲେ ଆଲଜିକୁ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଇଟ୍ ଭଲ ପାଇପାରନ୍ତା, ଲାଇଟ୍ ଭଲ ପାଇପାରେନି, ସେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଭଲ କରିପାରନ୍ତା, ତା ଖାଦ୍ୟ ବନେଇପାରନ୍ତା, ସିଏ ରହନ୍ତା, ତେଣୁ ସେ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକିଏ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ, କାରଣ କିଛି ଗୋଟେ ସର୍ଫେସ୍ ଥିଲେ ସିନା ସେ ତା ପାଖରେ ଭିଡ଼ି ହେଇକି ରହିବ, ସର୍ଫେସ୍ ନଥିଲେ କେମିତି ଭିଡ଼ି ହେଇକି ରହିବ, ନିଜର ତ ତା'ର ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ ନା ଆଲଜିର, କାରଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ଓକେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କୋରାଲ ଭାଇ ସାହେବ ଆସିଲେ ତାକୁ ଇଜିଅର୍ ହେଲା, ଭାଇ ସାହେବ କୋରାଲ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ସେ ତା'ର ରହିଗଲା, କିଏ ଆଲଜି ରହିଗଲା, ଯେଉଁ ଜାଣିଥିଲି ଆଲଜି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲାଇଟ୍ ଭଲ ପାଇଲା, ସର୍ଫେସ୍ ଆଡ଼ିକି ରହିଲେ ଲାଇଟ୍ ଭଲ ପାଇଲା, ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଭଲ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଖାଦ୍ୟ ତା'ର ବନେଇ ଚାଲିଲା, ବୁଝିହେଲା କଥା ଓକେ। ଯେଉଁ ଜାଣିଥିଲିନି ଆସିସ୍ ଦ କୋରାଲ ଇନ୍ ଦ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ତା'ମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଯେଉଁ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କଲା କିଏ କଲା, ନା ଆଲଜି କଲା। ତ ଆଲଜିକୁ କ'ଣ ଦରକାର, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଦରକାର, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ କେଉଁଠୁ ପାଇଲା ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ, ତ ଇଏ ଯେଉଁ କୋରାଲ ପାଖରୁ ପାଇଲା, ତ କୋରାଲ ଆ ପାଖରୁ କ'ଣ ପାଇଲା ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଲା, କାରଣ ଇଏ ଏନିମାଲ ସିଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଏନିମାଲକୁ କ'ଣ ଦରକାର ଅକ୍ସିଜେନ୍, ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ଦରକାର କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ପାଖରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମିଶିଗଲା। ଯେଉଁ ଜାଣିଥିଲି ଆସିଡ୍ ଦ କୋରାଲ ଓକେ, ଦ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଦ କୋରାଲ ୱିଥ୍ ଫିକ୍ସଡ୍ କାର୍ବନ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଫର୍ ଦ ଏନର୍ଜି, ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ, ଏନହାନ୍ସ ଦ କାଲ୍ସିଫିକେସନ୍, ମେଡିକେଟ୍ ଦ ଏନିକା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସ୍, ତେଣୁ ଏହିସବୁ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ଯେଉଁ କୋରାଲ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏନିମାଲ କଥା କହୁଛି, ତାକୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଦରକାର, ସେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମିଳିଗଲା କାହା ପାଖରୁ, ଆଲଜି ପାଖରୁ। ଆଉ ଜ୍ୟାଦାତର ଯେଉଁ କୋରାଲଟା ନା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ରିଚ୍ ରିଜନ୍, ତ ଯେତେବେଳେ କୋରାଲ ରିଫ୍ ମରିଯାଏ ସେ ରିଜନ୍ରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ରିଜନ୍ରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିପୋଜିଟ୍ ଥାଏ, ଆମେ ଯାଇକି ମାନେ ସେଠି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିକି କାଢ଼ୁ ୟା ଫେର୍ ମାଇନିଂ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ମେ ବି, ବଟ୍ ଏଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସବୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଠି କୋରାଲ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଗଦା ହେଇଯିବ, କାରଣ କୋରାଲ ଧର୍ମ ହେଲା ଗୋଟେ କୋରାଲ ମଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କୋରାଲ ସେଇଠି ଜନ୍ମ ହେଲା, ତା ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଠି ଜନ୍ମ ହେଲା, ଏଇରକମ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି କୋରାଲ ହେଇକି ସେ ଜାଗା ଗଦା ହେଇଗଲା ପୁରା। ଜଣେ ମରିବ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ବଢ଼ିବ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଜଣେ ହେଇଗଲା, ସେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ରେ ଆଉ ଜଣେ ବଢ଼ିବ, ସେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ରେ ଆଉ ଜଣେ ବଢ଼ିବ, ସେ ଏମିତି ସବୁ, ତା'ପରେ ଗଦା ହେଇଯିବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ର ପାହାଡ଼ ହେଇଯିବ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲେଖିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକାଉଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କୋରାଲ ରିଫ୍, ପଜିଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କୋରାଲ ରିଫ୍ ଆଣ୍ଡ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ସହିତ ରିଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କୋରାଲ ରିଫ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପକାଉଛି ଓକେ। ଦ କୋରାଲ ଆର୍ ଦ କଲରଲେସ୍ ବଟ୍ ଦ କୋରାଲ ରିଫ୍ ଆର୍ ଦ କଲର୍ଡ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଯେଉଁ ଜାଣିଥିଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଟିସ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦ କୋରାଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ମାନେ ଆମେ ଯଦି କୋରାଲଟାକୁ କେବଳ ଦେଖିବା, ଏମାନେ କଲରଲେସ୍ ଏନିମାଲଟା, ୟାର କିଛି କଲର୍ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ କୋରାଲ ରିଫ୍ କଥା କହିବା, କୋରାଲ ଲିପ୍ଟା ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖାହେଉଥିବ, କ'ଣ ପାଇଁ, ତା ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଜାନ୍ଥିଲିନ୍ ଆଲଜି ଅଛି, ସେ ଆଲଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଲର୍ର ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆଲଜି ହେଇଥିବ ସେ କୋରାଲ ରିପ୍ଟା ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଥିବ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ତୁମେ ଫଟୋରେ ଦେଖିଛ ପାଣି ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲା ଭଳିଆ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଲଜି ଥିବେ ସେହି ପ୍ରକାର କଲର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚମକେଇବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ହୋଷ୍ଟ କୋରାଲ ପଲିଫ୍ ଇଟ୍ ରିଟର୍ନ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଇଟ୍ସ ଯେଉଁ ଜାଣିଥିଲିନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଲାଇଭ୍ ୱିଦିନ୍ ଦ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସପ୍ଲାଏ ଦ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍, କ'ଣ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତା'ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଆକୁ ମିଳିଗଲା କ'ଣ, ଆମର ଆଲଜିକୁ ମିଳିଗଲା, ଆଲଜିକୁ ମିଳିଗଲା କ'ଣ ନା ଆମର କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ମିଳିଗଲା, କାହା ପାଖରୁ, କୋରାଲ ପାଖରୁ, କୋରାଲକୁ କ'ଣ ମିଳିଗଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳିଗଲା, ପ୍ଲସ୍ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଗଲା ଗୋଟେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କୋରାଲକୁ ତା'ର ତ ରହୁଛି, ବଟ୍ ଆଲଜି ଯେଉଁ ଜାଗା ନଥିଲା, ତ ଆଲଜିକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋରାଲର ଘର ମିଳିଗଲା। ଏ ଯେଉଁ କୋରାଲ ପଲିପ୍ସ କ'ଣ ନା, କୋରାଲ ପଲିପ୍ସ ହେଲା ସିଙ୍ଗୁଲାର, ସିଙ୍ଗୁଲାର କୋରାଲଟା ହେଲା ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ବହୁତ ସାରା ଯେତେବେଳେ କୋରାଲ ଗଦା ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାକୁ କୋରାଲ ଗୋଟେ କୁହାହେଉଛି। କୋରାଲ ରିଫ୍ କ'ଣ ନା, କୋରାଲ ରିଫ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଲଜି ସହିତ ମିଶିକି ଗୋଟେ କଲରଫୁଲ୍ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ସେଇଟା କୋରାଲ ରିଫ୍। କୋରାଲ ପଲିପ୍ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋରାଲ ଯେତେବେଳେ ରହିବ ତାକୁ କୋରାଲ ପଲିପ୍, ଏମିତି କୋଟି 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 କୋରାଲ ଯେତେବେଳେ ରହିବ ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋରାଲ ଉଲି କୁହାହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କୋରାଲ ରିଫ୍ କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଆଲଜି ସହିତ ମିଶିକି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜାନ୍ଥିଲିନ୍ ସହିତ ମିଶିକି ଗୋଟେ କଲରଫୁଲ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଦିଏ, ତ ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋରାଲ ରିଫ୍ ଉଲି କୁହାହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେର୍ ଆର୍ ଟୁ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କୋରାଲ, ଲାଇକ୍ ଦ ହାର୍ଡ଼ କୋରାଲ ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟ କୋରାଲ, ସଚ୍ ଏଜ୍ ସି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ୟୁ ନୋ ଗର୍ଗୋରିଆନ୍ସ, ଓନ୍ଲି ଦ ହାର୍ଡ଼ କୋରାଲ ବେଲ୍ଟ ରିଫ୍। ତ ଇଏ ଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ,
हार्ड कोराल बोली कहुच्छे ठीक अच्छे दुई प्रकार सफ्ट कोराल अच्छे हार्ड कोराल अच्छे द बिल्डर अफ कोराल रिफ आर द टीनी एनिमाल कल द पलिप्स जे जो कोराल को बनाऊँच गोटे गोटे सिंगल 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 कोराल कोराल पलिप्स बोली कहुच्छे ठीक अच्छे एज दिज पलिप्स थ्राइव्स ग्रोस एंड दे डाय दे लिव देयर लाइम स्टोन ताने से जन्म है बढ़िले मले मला मैंने गदा हेले तो सही नेचर कौन कैल्शियम बहुत सारा मैंने डिपोजिट करती शरीर प्राय कैल्शियम बनाही तो सी कैल्शियम रहा सी पुणी मले आउ गोटे जन्म है सी से मले तेणु कैल्शियम पूरा गदा हो जाए ठीक अच्छे कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन बिहाइंड द लाइम स्टोन इज कलोनाइज बाय द न्यू पलिप्स ओके तो न्यू पलिप्स जो आसला से जो लाइम स्टोन कि जो कैल्शियम कथ कह कार्बोनेट तापर ये जन्म है गदा हो रहा Therefore, a coral reef is built of the layer of the skeletons covered ultimately living polyps. तो कौटी ना कौटी गोटे मला तापर आउ गए जन्म है तापर आउ गए तापर आउ गए आउ गए विभिन्न प्रकार जन्म होती एक्चुअली मरिकी से गदा है दि रिफ्स बिल्डिंग और द यूनो हर्पेंटाइम्स कोराल्स कैन फॉर्म द वाइड रेंज ऑफ शेप्स कोराल रिफ आर द ब्रांचड इन द टेबुल शेप लुक लाइक द मैसिव स्कॉर्स ये जो कोराल रिफ ना विभिन्न प्रकार शेप्रे देखाती तेणु आमको गोटे आट्राक्टिव लगे ना आम ठीक अच्छे इको टूरिज्म भाव में ये कोराल लिफ जो था लोक आकल से पिकनिक पिकनिक कि बाकी जिन समुद्र भितर जो नेविगेशन वगैरह वगैरह ये सब जिन करते भल लगे मेजोरीटी ऑफ द कोराल फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर क्वेश्चन इंपोर्टेंट पक सारी आप मेजोरीटी ऑफ द कोराल कौटी मिले ना ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन है देयर आर ऑल्सो डीप वाटर कोराल इन द कोल्डर रीजन बट किसी मात्रा रे अच्छी डीप वाटर कोल्डर रीजन बट ज्यादातर तुमको कौट मिल ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कारण सब ट्रॉपिकल रीजन में टिके टिके टेम्परेचर आमको नॉर्मल मिले ठीक ठाक मिले दैट इज द रीजन जो कोराल बढ़ी पारती जो टेम्परेचर एक्चुअली 25-30 degrees पाखापाखी थी क्वेश्चन पकई जा तो से ही जगह एक्चुअली कोराल बढ़ी पारे तेणु कोराल बढ़ापी सब मानते टेम्परे मानते भल जगह कौटी ना ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कथ कहुए 0-45 degrees लाटीच्यूड पर्यंत फीचर ऑफ द कोराल कोराल कौन फीचर फाउंड इन द सैलो ट्रॉपिकल व्हेयर द वाटर इज क्लीन तमें अणगभीरिया जोटी पानीटा सफा परिष्कार थी क्लीन एंड वार्म टिके गरम थी ठीक है ठीक है कोराल रिफ कवर्ड इन इंडियन वाटर यू नो रफली 19,000 square kilometers तेणु इंडियन जो वाटर कवर अच्छी है तो बाकी जो मैंने इकोनॉमिक जोन अच्छी भारत में तो से जो पानी कथा कहा से पानी एक्चुअली 19,000 square kilometers भितर एक्चुअली कोराल अच्छी भारत तेनाली बड़ जगह भल कथ कहु देर आर मोस्ट कम्प्लेक्स एंड प्रोडक्टिव कोस्टल इकोसिस्टम विथ हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तेणु यहाँ जेहेतु मुझे कहली जेठी कोराल होने आखि बुझे आम जाणीदा दरकार तो सामुद्रिक एनवायरमेंट कौटी ना कौटी ठीक अच्छी कारण ठीक हेले हिंसा बढ़ी पारे अदरवाइज ना मरीजे एक्चुअली तेणु भारत को गोटे कौट प्रकार पॉजिटिव जिनस दूँ जदि आम कोराल को बचे कि बढ़े कि रखिपर बुझीगला चल बुझे तो इजी अच्छे कि डिफिकल्ट है बट क्वेश्चन पकोज पूरा लॉन्ग क्वेश्चन डायरेक्ट एथर पकोज 10 मार्किया 15 मार्किया पूरा शॉर्ट क्वेश्चन पकोज कहली जो जानी आज कथा पकईची टाइप अफ कोराल से कथा पकईची टेम्परेचर के दरकार कोराल से कथा लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन पकईची कौ रीजन में कोराल देखा जाए ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल से क्वेश्चन सर्ट क्वेश्चन पकईजी प्लस लॉन्ग क्वेश्चन तो सब अनुसार लिखा पड़े रिपब्लिक रे देखिया गोटे भाषण भाषण सब शिखी थी देखिया जस्ट 2 मिनट लेखा जबरदस्त गोटे पूरा पूरा भाषण इंग्राजी भाषा रे हला किए किए नवाप चाहूँ भाषण दब 2 मिनट लेखा ग्रुप लिखिदेव कि सर मुझे तो से माने देबे हला भूल हेले किसी असुविधा ना बट January 26 रे दि असुविधा कौन है कहीं एस एफ एस तुम लिखा पड़े पॉइंट मिल जाए दी चार्टा पढ़ी चलो रिफ बिल्डिंग कोराल आर द सिंबॉलिक एसोसिएशन ऑफ द पॉलिप्स कोराल एनिमल एंड जो जानी तो ये दिन मिसिक एक्चुअली कोराल पॉलिप्स मुझे कहली
पलिप्स मैंने कौन सिंगल क्रू कुराल कथा कह जू जानी कौन एलजी ना ये नाटा मन रख माइक्रोस्कोपिक एलजी छोट एलजी द कोराल्स आर द स्लो ग्रोइंग कलोनीज अफ द एनिमाल व्वल द जू जानी फास्ट ग्रोइंग कोराल्टा टी धीरे 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 बढ़िया लोक बट जू जानी एलजी कथ यूट्रोफिकेसन कथ पढ़ी नाइट्रोजन फसफरस पटास जबरदस्त एलजी बढ़ी बढ़ी कौन ना ऑक्सीजन डिमांड एम बढ़ेदेवे कारण मरवे तले जो बैक्टेरिया वायरस खाया आसवे हजार प्रकार कथ से कथ को कंपेयर कर एवर इवेन कोराल लाइव इन द न्यूट्रिएंट पुअर वाटर इवेन कि दरकार पड़े कोराल न्यूट्रिएंट पुअर तमें जो जल में कम खाद्य थी है नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फसफरस पटास युवा खाद्य ठीक अच्छे तमें भात डाली कथ कह इवेन कोराल लाइव इन द न्यूट्रिएंट पुअर वाटर एंड कैपेबल टू रिसाइकल द स्कर्सी न्यूट्रिएंट बड़ कथा लिखाई जो कम कम न्यूट्रिशन अच्छी से जिनस रिसाइकल करेंगे आउ थे खाद्य बनइबे ठीक अच्छे से जिनसे कैपेबिलिटी क्या पाखे कोराल पॉलिप्स पाखे द कोराल रीफ इकोसिस्टम मेनी इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट प्लांट लाइव इन द क्लोज एसोसिएशन विथ द कोराल विथ द गुड बायोडायवर्सिटी सो इट इज रिफर्ड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हाँ ये क्वेश्चन पकईजी समुद्र रे क्या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोली कहा जाए ठीक अच्छे क्या कहा जाए कोराल रीफ को कहा जाए कारण यही रीजन में तुमको कौन मिले ना बहुत सारा वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट एनिमल्स कथा कहा बहुत सारा प्लांट्स कथा कहा बायोडायवर्सिटी तुम गछपत्र जिन बहुत जिन मिलजे कारण एनवायरमेंट ठीक रहा तेणु समुद्र रे आकु रेन फॉरेस्ट बोली कहला क्या कोराल रीफ को क्वेश्चन पकई सारे सर्ट क्वेश्चन चार्टा सर्ट क्वेश्चन पाइल क्लासिफिकेशन एंड देयर लोकेशन ठीक अच्छे कौ जगार ज्यादातर हमें तो कहली ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में क्लासिफिकेशन कौन अच्छी कोराल रीफ आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इनटू फ्रिजिंग पैच बैरियर एटल फ्रिजिंग मैंने कौन फ्रिंज कट कहते से फ्रिंज कट दाढ़ी काटू कि फ्रिंज कट चुट्टी काटिला से फ्रिजिंग चारिपट ओलिकी थी फ्रिंज कट पेच कथा कहु पेच पकेला भाया इन द सेन्स बहुत सारा अलग अलग ये गोटे पेच से गोटे पेच पेच पकाती ताली पकाती है तो से भाया पेच पकड़ा कथ कह बैरियर तो से भाया कथा नेक्स्ट स्लाइडर अच्छे फिगर एटल उठिक रही थी से कथ कह तो ये प्रकार एक्चुअली क्लासिफिकेशन कराई क्या ना जो कोराल रीफ को है चलो द फ्रिंजिंग रीफ्स आर द कंटिन्यूस फ्रिंज फ्रिंज कट अच्छी ना ये फ्रिंज कट पैसा हाँ तो ये जो फ्रिंज कट फास्टा टाइप रही फ्रिंज कट टाइप एमती ओलिक रही है फ्रिंज कट ओके 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 एक्टिव हल्कानु फ्रिंज कट ऊपर अटा अच्छे फ्रिंज कट है ओके ओके देन द फ्रिंज रिफ यू नो रिफ्स आर द कंटिजियस विथ द शोर एंड दे आर मोस्ट कमन फ्रिंज कट कथा बाय अकरिंग रिफ फॉर्म यू नो फाउंड इन द अंडामान बस फ्रिंज कट अंडामान पाखापाखि एक जिनसे मिले ये मन रखीदे बाकी ओके पाथ यू नो या फिर पैच रिफ्स आर द एसोसिएट विथ डिसकंटिन्यूड पैचेस मैंने ये गोटे किसी से खंडे पैच पकाला शोर इन द ऑफशोर यू नो रिफ स्ट्रक्चर इज द सीन इन द पार्क ऑफ बे कौटी तुम भारत श्रीलंका मझे ओके पार्क बे एंड गल्फ ऑफ मन्नार से जगह गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात कथा कह जाए ओके चलो मन्नार आउ जो पार्क बे ये आम भारत और श्रीलंका मझे जो है पढ़ा आम जियोग्राफी ये सब फिगर एमती देखा ओके 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 बैरियर रिफ्स द लाइनर ऑफशोर रिफ स्ट्रक्चर दैट रेन पारालल टू द कोस्ट लाइन को पारालल पारालल हो जाऊ बैरियर रिफ कथ एंड अराइज इन द समर्जन सेल्फ ऑफ द प्लेटफॉर्म ओके तमाने प्लेटफॉर्म टिकट उठी तार बढ़ी बढ़ी चलती द वाटर बॉडी बिटवीन द रीफ एंड सोर इज टर्म एज द लगोन ठीक अच्छे जो आम कहीपर पानी बॉडी रहीगला जोटा कि रीफ आउ सोर मझे से है ना तो जो पाटा मझे रहीगला लगोन बोली चिलिका गोटे लगोन ठीक अच्छे एपटर समुद्र सेपटर पा अच्छे बट मझे छिड़ा है टी कौन ठीक है ये मटी अच्छी बट से जगह जब कोराल रहीगला तो बाकी दीजा पाला लगोन बोली कह बैरियर रीफ आर सीन द निकोबार एंड लक्षाद्वीप बैरियर ये क्वेश्चन गोटे मन रख पकाऊ कौ लोकेशन अनुसार कौ प्रकार एक्चुअली आम कोराल रीफ देखा बैरियर रीफ आर सीन इन द निकोबार आंडामान निकोबार कथ कह निकोबार एंड लक्षाद्वीप कथ एटल्स आर द सर्कुलर एटल सर्कुलर टाइप रे है एंड सेमी सर्कुलर रीफ दैट एराइजेस फ्रम द सबसाइडिंग एरिया जो आम कहींपर तल एरिया तार उठी पड़ो फ्लोर प्लाटफर्म कोराल रीफ बिल्डिंग कीप एहेड ऑफ द सब्सिडेंस फाउंड इन द लक्षाद्वीप एंड निकोबार बस कौ भैया कोराल कौटी मिल्च मन रखा पड़े ठीक है ओके ओके भाई साहब चलो ओके व्हेन द रीफ बिल्डिंग डो नॉट कीप द पेस विद द सब्सिडेंस रीफ बिकम द समर्जेंस बैंक इन द सीन इन द लक्षाद्वीप जो एक्चुअली देखा ही पारे ना एक्चुअली कौन हो ना पा अधिका बढ़ी जीव से जगह कोराल भितर रहीगला बट पा जब कमीगला कोराल देखा हे बेले बेले कौन हुए ना जो ग्लोबल वार्मिंग कथ शुनी आइस मेल्ट कथ शुनी
तो आइस मेल्ट अधिका सारा होगा कोराल जो उपरको उठी थी से जिन भाईसा बढ़ीज मैंने भितर गौर पड़ज आ देखा हेनी टी लाइट कलर भाया पूरा उठिक रही पा पाखापाखी थाए तो से जिन भितर गले देखा हे लाइट कलर सब देखा हुए आम जो लाइट मारदेव पूरा मालदीव कथा कहा तो लाइट मारदे पूरा से चिक 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 कर हेनी भितर पड़े सी ग्रासेस यू नो ग्रो इन द कावर थिएटल्स ठीक अच्छे मैनग्रोव्स आर द प्रिभेलेंट इन द आंडामान एंड निकोबर कोराल रिफ्स तो ये जिनस सी ग्रासेस होगा मैनग्रोव होगा कौटी ना कौटी ये कोराल रिफ पाखापाखी रिजन में तुमको बहुत सारा देखा मिली कहली अलरेडी तो ये रिजन एक्चुअली बायोडायवर्सिटी भल एक्वाटिक एनवायरमेंट भल थाए तेणु जो एक्चुअली कोराल रिफ हो बाकी जिनस चानसेस अच्छे से रेन फरेस्ट अफ सी कहला आउट अफ फोर रिफ एरिया इन द इंडिया आंडामान निकोबर आर द वेरी रिच जो चार्टा रिजन में ज्यादातर कोराल लिफ देखा क्वेश्चन इंपोर्टेंट आंडामान निकोबर सब अधिका फलोड बाय तलू लक्षाद्वीप तलू गल्फ अफ मन्नार तु गल्फ अफ कच्छ गल्फ अफ मन्नार ये भारत श्रीलंका मझे गल्फ अफ कच्छ ये गुजरात रे गल्फ अफ खम्बात अच्छी बट लिखा गल्फ अफ कच्छ ठीक अच्छे कच्छ रिजन है गुजरात डिस्ट्रिक्ट कच्छ डिस्ट्रिक्ट सूरत नुहे सूताकल चलो ओके फंक्शन अफ द कोराल लिफ खतरनाक काम यार भाई साहब जमी तुम पढ़ी कौन वेटलैंड कथा पढ़िल एश्वरी कथा पढ़िल डेल्टा कथा अच्छी आम लेक कथा अच्छी तो सेमती ये कथ कह कोराल लिफ रा फंक्शन कौन कार्यकलाप सब कौन दे आर द नेचुराल प्रोटेक्टिव बैरियर एगेंस्ट द इरोजन द स्ट्रम सोर्ट जमी भाव में आम मैनग्रोव कथा पढ़िले ये मतलब सर गछपतर तो कथ कह आल आसिक रही है बाकी कोराल लिफ गोटे भाया मानते कैल्सीयम कार्बोनेट जमा हो रहा ये कौटी ना कौटी बैरियर प्रोटेक्शन कला कोराल एनिमल्स आर द हाइली एडेप्टेड टू द कैप्चरिंग द प्लांकटन फ्रम द व्वाटर देयरफॉर कैप्चरिंग द न्यूट्रिएंट ताने आम कहीपर जेहेतु ये प्लांकटन को प्लांकटन मान कौन जो प्लांकटन फाइटो प्लांकटन होगा एम कैप्चर कर दिखती अफकोर्स जो कैप्चर करेंगे तो सही एक्चुअली न्यूट्रिशन पाखर पहुँचला न्यूट्रिशन पाखर पहुँचला मैंने अफकोर्स तो जो बाकी जो एनिमल अच्छा से पाखापाखी रिजन में से खाद्य कौटी ना कौटी एम जुगाड़ करें साय करते तेणु अटोमेटिकली बायोडायवर्सिटी से रिजन बढ़ गछपतर बढ़ीजी बायोडायवर्सिटी मैंने जैव विविधता बहुत सारा गछपतर लार्जेस्ट बायोजेनिक कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसर बस आम जो कैल्शियम कार्बोनेट को प्रोडक्शन करने बहुत सारा मेसीन कि इंडस्ट्री लगाऊ तो सी भगवान आपे आपे से जिन कोराल पलिप्स में मरी 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 गदा होगी कैल्शियम कार्बोनेट आपे आपे जदि से पूरा नष्ट हो गले से जगह आउ कम नुह से आम कैल्शियम कार्बोनेट काढ़ बाकी आम कम कर दे प्रोवाइड सब्सट्रेट फॉर द मैनग्रोव्स तो मैनग्रोव्स से रीजन में बढ़ावापर इट्स प्रोवाइड हैबिटेट फॉर द लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल प्लांट इंक्लूडिंग एविफोना ठीक अच्छे तो ये सब जिन बढ़ावापी कौटी ना कौटी से कोराल रीफ रीजन इज द बेस्ट प्लेस ओके पढ़ दिया गुजी नोट को भलसे पढ़ नोट तो पठाऊ अलरेडी नोट को भलसे पढ़ आउ थे लेख ताको ठीक अच्छे आउ थे लेख प्राक्टिस कर क्लास रे बुझ जी पढ़ाऊ एटलिस्ट से पढ़ी पढ़ी चल घंटे दुई घंटा भितर सरीज तापर पुणी अलग सब्जेक्ट भी सांगे जी पढ़ु एनसीईआरटी बुक्स होगा न्यूज पेपर होगा बाबू कल बोधे से न्यूज पेपर कथा किए कहला द हिंदू जो मैंने पढ़ी सारी अलरेडी तेने पढ़ार टे प्राक्ट अच्छी से मैंने सिलेबस रिलेटेड पाठ को पढ़ न्यूज पेपर हेले भी बाकी पॉलिटिकल न्यूज स्पोर्ट्स न्यूज ज्यादातर यूपीएससी कि ओपीएससी आवश्यकता नहीं ठीक अच्छे तुमको एडिटोरियल पेज होगा फ्रंट पेज में किसी भल मेसेज थाए प्लस ज्यादातर तुमको जो रिपोर्ट गुड़ा सब बाहरी था जेनेली से रिलेटेड कथा पढ़ एनवायरमेंट होगा बहुत सारा कथ मिल तुमको सीठ तुम इकोनोमिक्स होगा बहुत सारा कथ मिल ठीक अच्छे साइंस एंड टेक होगा बहुत सारा कथ मिल ठीक अच्छे जो गुड़ा एक्चुअली सिलेबस रिलेटेड पार्ट से गुड़ा पढ़ प्लस एडिटोरियल पार्ट को पढ़ एडिटोरियल पार्ट एक्चुअली बहुत सारा एसे होगा तुम क्रिटिकल थिंकिंग होगा लॉजिकल रीजनिंग होगा तो बहुत सारा जिनस तुमको कौटी ना कौटी मिल जाए कौटू ना से जो एडिटोरियल पेज एडिटोरियल पेज को मोस्टली पढ़ बुझीपर मुंड गरम हो स्टार्टिंग रे बट पढ़ प्राक्ट कले जिन धैर्य तो सब जिन दरकार ना डे वन लगे जिनसन है धैर्य दरकार बड़ बड़ जिन वार्ड गुड़ा बहुत बड़ लिखाई थाए गोटे गोटे वार्ड तुमको चारि पाँचटा छा खंड लाइन वार्डटा सर सरी सेंटेन्स सर चारिटा पाँचटा लाइन में सेंटेन्स सर तुम फास्ट कौन पढ़ी लास्ट बेलू मन नट से गोटे प्राक्ट कले बाबू हो असंभव दुनिया किसी ना सेमती हाई लेवल प्रिपेरेसन दरकार तुम क्राक करने को एग्जाम हाई लेवल प्रिपेरेसन दरकार अदरवाइज हम ना ठीक अच्छे चलो चलो वेरी गुड बट इजी डिफिकल्ट किसी नुहे तुम वन्स
ଭିତରକୁ ପଶିଲା ବାହାରୁ ଦୁନିଆ ସବୁ ନା ଦେଖା ହେବ ପୁରା ଅଦ୍ଭୁତ ଲୋକ ଏ ଭିତରକୁ ଆଣି ସେ ପଶିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଇଜି କେମିତି ଦୁନିଆର ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନାହିଁ ବାବୁ ଓକେ ଯେ ନ ପଢ଼ିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସବୁଗୁଡ଼ା ପଢ଼ି ଚାଲିଲେ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ତାପରେ ସିଲାବସ୍କୁ ନେଇକି କମ୍ପେୟାର କରିବ ଯେ ପଢ଼ିସାରିଛି ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଥ୍ରେଟ୍ କଥା କୁହାହେଉଛି ହେଲା କୋରାଲ୍ ଲିପ୍କୁ କ'ଣ ଥ୍ରେଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ତାମାନେ କେଉଁଠି ଆଲ୍ଜି ବଞ୍ଚିପାରୁନି ତ କେଉଁଠି କୋରାଲ୍ ପଲିପ୍ସ ବଞ୍ଚିପାରୁନି ତ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ରିଲେସନ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇପାରୁନି କାରଣ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଲେ ହିଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲେ କାମ ଦେବ ଦେ ଆର୍ ଦ ଭେରିୟସ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଜେନିକ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଜେନିକ୍ ମାନେ ମଣିଷ ଜନିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି ମଣିଷ କେମିକାଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଟୁରିଜିମ୍ ଯାଇକି ବୁଲାବୁଲି କରି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପୋର୍ଟ ହେଉଛି ବନ୍ଦରଗା ସେଡିମେଣ୍ଟ ଜମା ହୋଇଯାଉଛି ମାଇନିଂ ସେଠି ହେଉଛି ସିପିଂ ହେଉଛି ଏଇସବୁ ହଜାର ପ୍ରକାର କଥା ମଣିଷ କରୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରୋଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କୋରାଲ୍ ରିଫ୍ ରିସେଣ୍ଟ ୟୁ ନୋ ସମ୍ ଡିକେଟ୍ସ ହେଲା ଇଟ୍ସ ହାଇଲି ଡିଗ୍ରେଡିଂ ଦ କୋରାଲ୍ ରିଫ୍ ବୋଥ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଜେନିକ୍ ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋରାଲ୍ ଏବେ ଦଶ ବର୍ଷ କିମ୍ବା କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଓଭର୍ ଫିସିଂ ମାଛ ଅଧିକା ଧରା ହେଉଛି ଓଭର୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋର୍ସରୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ କଥା ଓଭର୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ରିଫିକେସନ୍ କଥାକୁ ଏଠି ଉଠାଇ ପାରିବ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଲାଇକ୍ ଦ ଏଲିନୋ ଇଫେକ୍ଟ ଏଲିନୋ ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ପଢ଼ା ହେବ ହେଲା ଯେଉଁ ବେଳେବେଳେ ଓସିଆନ୍ର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିଯାଏ ତ ଯେଉଁଠୁ ଯେଉଁଠିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାଇ ପ୍ରେସର୍ ଲୋ ପ୍ରେସର୍ ହେବା କଥା ପାଣିରେ ଏପଟ ସେପଟ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଏଲିନ୍ ହେବ ଭାରତରେ ସେ ବର୍ଷ ଭଲ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ ପଢ଼ିବା ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଡିଟେଲ୍ସ ହେଁ ଓକେ ତ ତା ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ କୋରାଲ୍ ରିଫ୍ ଯେଉଁଠି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଧିକା ଥିଲା ସେଠି କମ୍ ହେଲା ସେ ଭାଇ ସାହେବ ଯେଉଁଠି ବଢ଼ୁଥିଲେ ସେଠି ମରିଯିବେ ତ ସେ କଥା କହୁଛି ଏଲିନୋ ଇଫେକ୍ଟ କୋରାଲ୍ ରିଫ୍ ବ୍ଲିଚିଂ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ରାଇମେରି ଷ୍ଟେଜ୍ ଏଟ୍ ଦ କୋରାଲ୍ ରିଫ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ୟେସ୍ କୋରାଲ୍ ରିଫ୍ ଏକଦମ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ମରିଯିବନି ତ କୋରାଲ୍ ରିଫ୍ ଧୀରେ 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 ତା ବେମାରୀ ହେବ ବେମାରୀ ହେଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କୋରାଲ୍ ମରିବ ଫାଷ୍ଟ ବେମାରୀ କ'ଣ ନା କୋରାଲ୍ ବ୍ଲିଚିଂ ବ୍ଲିଚିଂ ମାନେ ତମେ ଶୁଣିଥିବ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ସଫା କରିଦେବା କଥା ତ ସେ କଥା ଇଏ କୋରାଲ୍ ବ୍ଲିଚିଂ ମାନେ କୋରାଲ୍ରୁ ରଙ୍ଗ ଉଡ଼ିଯିବ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗୀ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିବା ଦେଖାହେଉଥିଲା ତ ସିଏ ଆଉ ଦେଖା ହେବନି ଫାଷ୍ଟ ଏଜ୍ ଏଇଟା କୋରାଲ୍ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯିବ କୋରାଲ୍ ବ୍ଲିଚିଂ ତାମାନେ କୋରାଲ୍ ଧଳା ହେଇଯିବ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ ଦେଖା ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଧଳା ଭଳିଆ ଦେଖା ବଟ୍ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋରାଲ୍ ପଲିପ୍ସ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କୋରାଲ୍ ଲିପ୍ସ ମାନେ ଆଲ୍ଜି ସିନା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲେ ସେଟାକୁ କହୁଛି କୋରାଲ୍ ବ୍ଲିଚିଂ ମନେ ରଖେ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଅଛି କୋରାଲ୍ ବ୍ଲିଚିଂ ମାନେ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ କୋରାଲ୍ ଲିପ୍ ତାମାନେ କୋରାଲ୍ ରିଫ୍ରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଣିଥିଲେ ଆଲ୍ଜି ଥିଲେ ସିଏ ଭାଇସାପ୍ ମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଟିକେ ମରୁଛନ୍ତି ଆଲ୍ଜି ଯେହେତୁ କଲର୍ ଦିଏ କୋରାଲ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୋରାଲ୍ ରିଫ୍ରେ କଲର୍ କମିଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ବଟ୍ ବଞ୍ଚିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋରାଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି କୋରାଲ୍ ମରିନି ତାକୁ ଯଦି କିଛି କାମ କରିବ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ କୋରାଲ୍ ବ୍ଲିଚିଂ ସେ କଥା କୁହାଯାଏ ବ୍ଲିଚିଂ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ କଲର୍ ଥିଲା କୋରାଲ୍ ରିଫ୍ରେ ସେ କଲର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି କାରଣ କ'ଣ ଯେଉଁ ଜାଣିଥିଲେ ଆଲ୍ଜି ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମରୁଛି ୟା ଫେରି କମୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ମେବି ଇଫ୍ ଦ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ଜାଲଥିଲିନି ଆଲ୍ଜି ୱିଲ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଦ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଡିକ୍ରିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ କୋରାଲ୍ ରିଫ୍ ଦିସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ କୋରାଲ୍ ବ୍ଲିଚିଂ ଯେଉଁ ଆଲ୍ଜି ଥିଲେ ଯେଉଁ ଜାଣିଥିଲିନି ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କମିଲା ରିଜନ୍ ବହୁତ ସାରା ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ପାଣି ଠିକ୍ଠାକ୍ ମିଳିଲାନି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲାନି ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ମେବି ତ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କମିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର କଲର୍ କମିଗଲା କଲର୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ଦ କୋରାଲ୍ ବ୍ଲିଚିଂ 60-90% ଡିକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଯେଉଁ ଜାଲିଥିଲି ନା 50-80% ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଜିନିଷ କମିବ ଇଫ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କଜିଂ ଦ ବ୍ଲିଚିଂ ନଟ୍ ଟୁ ମଚ୍ ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ସମ୍ ୱିକ୍ ଅର୍ ମନ୍ଥ ରିଗେନ୍ ଇଟ୍ସ କଲର୍ ଯଦି କୋରାଲ୍ ବ୍ଲିଚିଂ ହେଲା ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିକି ସେ ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ଠାକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ତାହେଲେ କୋରାଲ୍ ପୁଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି ଯେମିତି ଧଳା ଥିଲା ନା କ'ଣ କଲର୍ବାଲା ଥିଲା ସେ କଲର୍ବାଲା ହେଇଯିବ ପୁଣି ସେ ଏରିଆ ଭଲ ହେଇଯିବ ଇଫ୍ ନଟ୍ ନା ୟୁ ନୋ ଇଫ୍ ନଟ୍ କୋରାଲ୍ ହୋଷ୍ଟ ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲି ଡାଏ ଯଦି ପୁରା କୋରାଲ୍ ମରିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆଉ ହେବନି କିଛି ଆଲ୍ଜି ତଳୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ ଯଦି କୋରାଲ୍ ବଞ୍ଚିଛି ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋରାଲ୍ ବ୍ଲିଚିଂ ହେଇଯାଇଛି ଆଲ୍ଜି ମରିଯାଇଛି ତ ଆଲ୍ଜି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜିଅର୍ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଅଛି ତା'ମାନେ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ହେଇପାରିବ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ରେଡିଏସନ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଦ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଯେଉଁ ଜାଣିଥିଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫର୍ ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟକ୍ସିସିଟି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିଯିବ ସେଇଟା ଖରାପ ଏକଦମ୍ ଲୁ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଖରାପ ରେଡିଏସନ୍ ସୋଲାର୍ ରେଡିଏସନ୍ ୟୁଭିରେ ବଗେରା ବଗେରା କଥା ଅଛି ଇଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲୋସନ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ମାରିକି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେ ଜିନିଷ ଧୋଇ ଧୁଆଇକି ସବୁ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଏଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ ତ ଏ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖରାପ କରିବ କୋରାଲ୍କୁ ତ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଜାଣିଥିଲି ମରିଯିବ କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଆଲ୍ଜି ମରିଯିବ ଯାହାଫଳରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଜେନେରାଲି ଟେମ୍ପରେଚର ଏବଭ୍ ଦ 30°C ୱିଲ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦ ଯେଉଁ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି 25-30° ଦ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଫର୍ ଦ କୋରାଲ୍ ରିଫ୍ ଯଦି ୟା ଉପରୁ ବଢ଼ିଗଲା କିମ୍ବା 25° ତଳକୁ ଖସିଲା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୋରାଲ୍ ରିଫ୍ ବଢ଼ିପାରିବା ଭଳିଆ କାପାସିଟି ରହିବ ନାହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଯିବା ପରେ ଓପିଏସ୍ସିର ପକେଇ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କେତେ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ 25-30° ସେଇଟା ଲେଖିଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ଭେରି ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଲ୍ସୋ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ଦ କୋରାଲ୍ ରିଫ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଏକଦମ କମିଯିବ ଏକଦମ 15°C ହେଇଯିବ 20-10 ତ ଦିସ୍ ଅଲ୍ସୋ ନଟ୍ ଗୁଡ୍
द यू नो द इनवल्व द डिटाचमेंट ऑफ द यू नो सिंड्रियन यू नो एंडोडेराल सेल इ जो जानी इवेंचुअल एक्सप्लोजन बहुत सेल टाइप तेनाली सब जिन कौटना कौट डिटाचमेंट हो गले तो ये मरी मरा जीवार चानसेस अच्छे ठीक अच्छे चलो मन रखी दिव कल एक्चुअली मैडम क्लास अच्छी मैडम क्लास नॉर्मल टाइम रे 6:30 हो ठीक अच्छे मैडम क्लास मैं पठेली बोलते पीला डाउट रही जाऊँगी है तो मैडम क्लास कल नॉर्मल टाइम रे हम 6:30 पर्यंत हम शुक्रवार दिन आम गोटे तुम करवा प्रेजेंटेशन टाइप रे जोटा कि टॉपिक रहा सेम रिपब्लिक डे पढ़ापढ़ी कर जी ना देवा कथा वॉलंटियर्स मैंने ग्रुप लिखिपर कि हाँ सर मुझे कहवापी चाहूँगी मैक्सिमम 10-15 पिला नहीं पार ठीक है 15 पिला नहीं पार प्रत्येक ग्रुप रे 5-7 जन को नहीं हम कम छोट छोट 2-3 मिनट कह बट 2-3 मिनट चेस्टा कर उड़े उड़े कहवापी उड़े उड़े मैंने विथ वैलिड पॉइंट है चलो जय श्री राम पुणी कहीदेवनी है वैलिड पॉइंट कह कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं कह ओके इकोलॉजिकल कॉज ऑफ द कोरल ब्लीचिंग कौन कथा रही बाबू ए देयर आर द नॉट सिंगल यूनिक कॉज किसी गोटे प्रकार कॉज ना आपको धरदे कोरल भाई साहब बंची समुद्र पूरा ठीक हो बाकी एनवायरमेंट ठीक हो ठीक है एमती किसी कथ नहीं देयर आर द नॉट ए सिंगल यूनिक कॉज फॉर द कोरल ब्लीचिंग देयर आर द वेरियस कॉज डिस्कस ओके कौन फास्ट द टेम्परेचर कथा कहे द कोरल आर द वेरी सेंसिटिव टू द टेम्परेचर टेम्परेचर बहुत हाई बढ़ी या फिर बहुत कमी तो ये भाई साहब खतरनाक बंची पारे बिकज दे सर्वाइव इन द नैरो टेम्परेचर डिफरेंस मैंने से कहली 25-30 डिग्री टेम्परेचर विल बी सुइटेबल और द बेस्ट एनी सडन इनक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर विल बी इंपैक्ट द कोरल जनरली हाई लैंड सी एक्सट्रीम कोल्ड रीजन विल बी द यू नो इंपैक्ट ऑन द कोरल लीफ आम कहीपर जो कथा कहुच बहुत सारा थंडा रीजन से थंडा रीजन में बची पारे ना सोलार इरेडियंस सोलार जो सूर्य पाखर विभिन्न प्रकार रे आसा भी किसी क्षतिकारक रे अच्छी किसी भल अच्छी विजिबल रे अच्छी प्लस किसी यूवी रे अच्छी अल्ट्राभायोलेट अच्छी तो से कथा सोलार रेडियंस जो सीटा एक्चुअली किसी मात्रा वेवलेंथ जार तो सोलार रेडियंस लाइक द वेवलेंथ 400-700 नानोमीटर एंड अल्ट्राभायोलेट रेडिएशन रेंज 280-400 विल नॉट गुड फॉर द कोरल रीफ सूर्य पाखर विभिन्न प्रकार रे आसे पढ़ी थोड़ा जियोग्राफी कौ कौ प्रकार रे आसी कार विजिबिलिटी केते किंवा कार वेवलेंथ केते अछि ओके देन सब एरियल एक्सपोजर कथा कह सब एरियल ऊपर उठी पड़ो ऊपर उठी पड़े तले पानी सुखी व्हाट एवर रीजन में भी जहाँ भी था सडन एक्सपोजर ऑफ द रीफ फ्लैट ड्यू टू लो टाइड एंड टेक्टोनिक यू नो अपलिफ्टमेंट ड्यू टू लेट कोरल रीफ पढ़ी थी है प्लेट टेक्टोनिक तो प्लेट टेक्टोनिक कथा कहुच जदि किसी प्लेट फाटीगला ये है सीगला से उठी पड़े ऊपर किंवा पानी सुखीगला एक्सपोजर होगा कौन सी कोरलटा ऊपर सूर्य ऊपर देखा गच भाया तो गच भाया से एक्चुअली एत भी टेम्परेचर बढ़ी पारे मरी मरा जाए चलो देन कम टू द सेडिमेंटेशन बहुत सारा एक्चुअली अलिया आवर्जना जाए गदा हो पाखे से निश्वास प्रश्न नहीं पारे से जो आलजी थे जो जानी प्लस कोराल पॉलीप ये भाई अणनिश्वास ये मल पड़ी एबव द कोराल पॉलीप्स न्यू कोराल विल बी सर्वाइव बट मोर सेडिमेंटेशन विल बी हैम्पर फॉर द कोराल एकदम अलिया आवर्जना जमी कहते डंपिंग कराँ कौन अलिया को डंपिंग कराँ तो सी अलिया डंपिंग हेल्ला कोराल उपर जा पड़ा से भाईरा मला सी मन रख सोलार इरेडियंस सब एरियल एक्सपोजर ना गोटे टी मन रखा डिफिकल्ट रही है ठीक है सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन मन रही है सोलार सोलार इरेडियंस सब एरियल उपरको उठी जीव एक्सपोजर देन फ्रेश वाटर डाइल्यूशन कथा कहा ठीक है सडन मिक्सचर ऑफ द रीफ एरिया फ्रेश वाटर विथ द स्ट्रम जेनेटर रन वर वाटर व्हिच विल बी द लीड टू द कोराल कोराल वाटर जो जो प्रकार न्यूट्रिशनल वाटर अच्छे आम फ्रेश वाटर देद जो थी कि न्यूट्रिशन किसी ना है तो सही कौटिना कौटे से खाद्य मिल पारि नपे तो डैमेज होवार चानसेस अच्छी इट्स जेनेली लेस एंड नियर सोर ठीक अच्छे पाखापाखी नदी कहना जल जल मिशी बहुत अमाउंट इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कथा कहा जोटा कि हजम हो पार्टर इफ द इनक्रीज ऑफ द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लाइक द अमोनिया एंड नाइट्रेट लीड टू द कोरल प्रॉब्लम जोटा कि यूट्रिफिकेशन कथ पढ़ाई से यूट्रिफिकेशन टाइम लिखा है कौन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कथ सब बुले वाले एपट सेपट कर लिखा है चारे ठीक अच्छे बट सेम कनसेप्ट मीन्स यूट्रिफिकेशन विल द डायरेक्ट इंपैक्ट टू द जो जानी बट द क्रिएट द सिम्बायोटिक रिलेशन विथ द कोरल तो जो ये प्रॉब्लम हम तो आप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो पारे ना आलजी मरीज कुलर कोरल ब्लीचिंग हम वगैरह वगैरह कथा
ओके देन जेनोबायोटिक्स जेनोबायोटिक्स कौन खतरनाक वर्ड लिखा है समटाइम्स यू नो एलिवेटेड अपर पार्ट ऑफ द कोरल कंटामिनेटेड ड्यू टू हर्बिसाइड्स इन द ऑयल्स तमाने जो ऊपर पार्ट रहीगला तेल भासी भासी जाऊँगी कौट तेल आसी जो विभिन्न प्रकार सनस्क्रीन लोसन तुम लगाऊ विभिन्न प्रकार पॉइजनस तेल भी किसी लगा हो तो से तेल भाया मीडिया आम सीना गलिया नदी में कौट ट्यूबे गाधोचे कि बाथरूम गाधोचे से पा डायरेक्ट इनडायरेक्टली कौटना कौट मिसी मिसी लास्ट जाए नदी समुद्र में पहुंचे तो यह एक्चुअली बहुत क्षतिकारक होगा जेनोबायोटिक्स कह डेट्स द कोराल ब्लीच से मरीजे जो जानते हैं तो कोराल ब्लीच हो इन द सेन्स सफा हो धड़ा धड़ा देखा देन एपिजोटिक्स एपिजोटिक्स कौन वार्ड मन रखा पड़ा बायोलोजिकल वार्ड सम पाथोजेन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज एंड द फोटोसिंथेसिस द पिगमेंट ऑफ द जो जानते हैं किसी पाथोजेन अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छा कि डिजीज कॉजिंग एजेंट अच्छा तो मैंने भाई साहब जाकि जो जानते हैं जो अच्छी एल्जी ताको नष्ट करदे फोटोसिंथेसिस कणिका अच्छी जो क्लोरोफिल नष्ट करदे जहाँफल कलर पिगमेंट हो पार ना दिस इज द पाथोजेन इंड्यूस टू ब्लीचिंग मैंने नष्ट मैंने से फोटोसिंथेसिस कर पारे कौन है धड़ा पड़ेगा ठीक अच्छे श्योर गवर्नमेंट मेजर टू प्रोटेक्ट द यू नो मैनग्रोव फॉरेस्ट एंड द कोराल लीफ तो मैनग्रोव फॉरेस्ट को कोराल लीफ करने सरकार तरफ कौन केमी कौन कदम उठाई गवर्नमेंट टेकिंग द बोथ रेगुलेटरी एंड प्रमोशनल मेजर्स नियम बनई प्लस प्रमोशन विभिन्न प्रकार करा यह कर से कर अंडर द रेगुलेटरी मेजर कोस्टल रेगुलेटरी जोन है 2011 एंड द आईलैंड प्रोटेक्शन जोन 2011 अनुसार विभिन्न प्रकार जगह को प्रोटेक्शन करने सरकार नियम नहीं आस द मैनग्रोव एंड कोराल रीफ आर दा एक्चुअली करंट अफेयर टी कथ आस करंट अफेयर मेन कथ कौन एवं रिसेंट कौन है जिनसे देखीद बट कनसेप्ट बुझीगला करंट अफेयर मिसेले बाकी कथ बनी द मैनग्रोव एंड द कोराल रीफ आर कैटेगराइज अंडर द इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया व्हेयर द नो न्यू कंस्ट्रक्शन विल बी देयर एक्सेप्ट सम लाइक बहुत सारा जिन एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वगैरह इंडस्ट्री वगैरह हम ना सरकार नियम नहीं आसी कारण कोराल रीफ मरी जा मैनग्रोव रीजन कि एश्चुरी कि डेल्टा ये सब जिनस को वेटलैंड ये सब जिनस को हैरान हो दैट इज द रीजन कौन खाली अल्प किसी जिनस परमिशन कौन एटॉमिक एनर्जी जोटा कि सिक्यूरीटी रीजन कथ कहुच्छे या फिर वेदर फोरकास्ट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD इश्यू एंड मेंशन बाय द गवर्नमेंट आउ किसी जिनस जहाँ सरकार मेंशन कर सीज हम बाकी जो तेल खनि वगैरह वगैरह माछ धरा ये सब जिन फालतू काम से किसी ना कारण समुद्र नष्ट हो ओके मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट UNFCCC कथा कहु क्रिएट द नेशनल एंड स्टेट लेवल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी नेशनल लेवल स्टेट जोन कोस्टल जोन भाई साहब कमी कौन मैनेज हो वगैरह वगैरह कथ जिस कराई रही है अल्सो प्रोवाइड फंड टू द कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैनग्रोव एंड कोराल लीफ जो स्टेट पाखापाखि रीजन में एक्चुअली आसूसी कौन तटीय क्षेत्र किंवा कोराल लीफ ओडिशा कथ कहपर कि यूनियन टेरिटरी कथ कह लक्षाद्वीप प्लस आंडामान निकोबर कथ कह ताको सरकार तरफ विभिन्न पैसा आसी कि विभिन्न प्रकार कथ आसी भाई साहब तुम्हें तुम कोस्टल रीजन को कि कोराल को मैनग्रोव को तुम मैनेज कर एंड कोराल लीफ इनक्लूड द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आक्ट येस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आक्ट में 1972 बड़ इंपोर्टाटा ताद आम कोराल लीफ को प्रोटेक्शन करेंटी एनिमल प्लांट को प्रोटेक्शन करवा फर्दर प्रोटेक्टेड एरिया 4 नेशनल पार्क 96 सेंचुरीज 3 मेराइन बायोस्फीयर रिजर्व अंडर द प्रोविजन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आक्ट एति जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 कथ कहुच्छी इंदिरा गांधी समय से समय जो ये सब 4 नेशनल पार्क 96 सेंचुरी यहाँ विभिन्न सारा आसी कौन ना जो सामुद्रिक कथ प्राणी जीवजंतु आपको कंजर्व करने नियम अलरेडी बनाई अच्छी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड अल्सो प्रोवाइड द स्ट्रेंथ जी एक्चुअली एपट सेपट कम कला जेल पठाव फाइन निहब ह्वाट एवर मे भी तो डरा है कि लोक को धमका है रखा भाई साहब किसी एपट सेपट कम कर बुझेगा कथा ओके की इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट द मेराइन एंड द कोस्टल एनवायरनमेंट ठीक अच्छे कोस्टल यू नो ओशन मॉनिटरिंग एंड प्रेडिक्शन सिस्टम कथ कहु बिंग इंप्लीमेंटेड 1991 रिलेटेड टू द हेल्थ द कोस्टल वाटर एंड पॉल्यूशन कौन असुविधा है कौन नहीं या माध्यम रे एक्चुअली विभिन्न प्रकार साइंटिफिकल ऑफिसर अच्छा से देखिए जज करेंगे कथ रिस्ट्रक्चर ऑफ द इन द ईयर 2000-2001 आपको रिस्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पॉल्यूशन मॉनिटरिंग लायजेनिंग रेगुलेशन यू नो लेजिस्लेटर कंसल्टेंसी सर्विस ये सब जिन सरकार तरफ कौटी अच्छी प्लानिंग से सब जिन कम कर ओके देन लैंड ओशन इंट्राक्शन इन द कोस्टल जोन जोटी लैंड ओशन इंट्राक्शन होती एक्चुअली विभिन्न प्रकार कथ प्रॉब्लम हो जो कथ तुम एश्चुरी कथ कह मेनग्रोव कथ कह या फिर तुम कोराल लीफ कथ कह से सब कमी मैनेज कराव ताको सरकार नियम आज 1995 इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट अफ द ग्लोबल चेंज इन द कोस्टल जोन तमें जो ग्लोबल वार्मिंग कथ कहुच कि आइस मेल्ट कथ कहु पोलार रीजन ताको कमी बढ़ुची एक्चुअली कोस्टल रीजन में पा तो इंपैक्ट कौन एक्चुअली ये सब कथ को नहीं सब आनालीसी जियोग्राफी सहित पूरा जोड़ा अच्छी कथ
एम्स टू डेवलप द साइंटिफिकल बेसिस इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कोस्टल एनवायरनमेंट सब जिन मिसी मसिक सल्यूशन बाहर कराव इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मेराइन एरिया मैनेजमेंट लॉन्च इन द ये नियम गुड़ा मन रखी लिखा पड़ो ठीक अच्छे लैंड ओसन इंट्राक्शन इन द कोस्टल जोन केवे बनला 1995 1998 कौन बनला इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मेराइन एरिया मैनेजमेंट ये ना गुटा लिखे जाए मार्क आसो 1998 लिख एम्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कोस्टल एंड मेराइन तो बस कोस्टल एरिया को मेराइन सामुद्रिक को लक्ष्य करवा मॉडल फॉर द चेन्नई गोवा एंड कच्छ बीइंग प्रिपेयर्ड ठीक अच्छे तो ये सब जिन सब रक्षा करवा सोसाइटी इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट लॉन्च 2010 कथा कह टू प्रोटेक्ट द कोस्टल किसी ना इजी कथ अच्छे मुझे खाली पढ़ी दूसरी ए बट तुम आपको पढ़ी नोट बनेदेव है नोट बनब जहाँ लिखाई से जिन को आउे खाता लिखी सब रेड कर रख ठीक अच्छे या फिर मोदी नोट केवल रखुच बाकी तुम नोट करना भलसे एक्चुअली पढ़ी पढ़ाई कि प्राक्ट कर एटली थे देख टू प्रोटेक्ट द कोस्टल इकोसिस्टम ए प्रोफेसनाल बडी विथ एस्पेक्ट विथ वेरियस आस्पेक्ट कोस्टल साइंस एंड मैनेजमेंट मैंने भलसे जाना शुणा लोक एम दायित्व दिखाई भाई साहब तुम रेड कर इंस्टीट्यूशन फॉर द कोस्टल मैनेजमेंट नोटिफिकेशन कोस्टल रेगुलेशन जून 1991 एम्स फॉर प्रोटेक्टिंग कोस्टल स्ट्रेचेस इन द इंडिया कथा लिखा इजी नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड द यूनो स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी तम भारत सरकार ओडिशा सरकार इन द सेंस स्टेट गवर्नमेंट सब जिन मिसी मिसाई करेंगे फर द एनफोर्समेंट अफ मनिटरिंग अफ द कोस्टल रेगुलेटरी जोन नोटिफिकेशन स्पेलिंग टी भूल अच्छे मैनेज कर दिज अथॉरिटीज आर यू नो डेलीगेटेड पावर अंडर द सेक्शन 5 अफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन आक्ट तुम दरकार पड़े एम भी लोक जेल फेल पठे दिए बाकी सेक्शन 5 रे जहाँ कथा लिखाई पूरा दंड विधान एम हाथ में रोक ठीक अच्छे ओके बस रेडी पूरा ओके रखिली सारे दिली।